विकसित सर परफेक्ट इंस्टीट्यूट में से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीओए के अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो है, तो कि वो टॉपिक कौन सा है, तो वो हम बात करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेटेड। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन यानी अलग अलग टाइप की मेमोरीज है वो किस तरह से वर्क करती है तो वो देखेंगे। एक्चुअली ऑक्सिलरी मेमोरी है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, वो हमें देखना है। एक्चुअली मैं उससे पहले बता देता हूँ मेमोरी क्या है। एक्चुअली मेमोरी है वो टेम्पररी भी होती है और मेमोरी है वो परमानेंट भी होती है। टेम्पररी मेमोरी होती है वो उसका क्या यूज़ होता है, टेम्पररी मेमोरी जो भी एग्जीक्यूशन टेम्पररी करवाना है वो करवा के वो क्या हो जाती है, लॉस्ट। और परमानेंट मेमोरी कैसी होती है, उसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है। और दूसरा डिफरेंस मेमोरी का ये है कि मेमोरी जो है उसका एग्जीक्यूशन जो है कंपैरेटिवली वो फास्ट होता है, तो उस तरह से ये मेमोरी वर्क करती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन टॉपिक लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर सिस्टम। एक्चुअली मेमोरी यूनिट है वो क्या है, एक्चुअली अ मेमोरी यूनिट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट ऑफ और डिवाइस टूगेदर। जो कलेक्शन होता है स्टोरेज यूनिट का और जो डिवाइस जो होते हैं उसका मेमोरी यूनिट होता है। वन बाय वन वो मेमोरी यूनिट हम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मेमोरी यूनिट स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। मेमोरी यूनिट के अंदर क्या होता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है और वो बिट के फॉर्म में होती है, जीरो और वन। जनरली मेमोरी और स्टोरेज इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है मेमोरीज और स्टोरेज को। पहले आती है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी दैट मींस दिस लॉसेस इंसिडेंटल व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। जब भी आप कंप्यूटर बंद करते हो तो इसके डेटा क्या हो जाते हैं, लॉस्ट। तो ऐसी जो मेमोरी है उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, रैम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी दिस इज द परमानेंट स्टोरेज, डज नॉट लॉस एनी डेटा व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का एग्जांपल है, जब भी आप डेटा स्टोर करते हो, फाइल सेव करते हो और अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है या कर देते हो तो भी डेटा आपको मिलेगा। वोलेटाइल मेमोरी यानी हमारी रैम, इसके अंदर डेटा जब तक हम कंप्यूटर शुरू रखेंगे तब तक मिलेगा, जैसे ही बंद कर देंगे तो उसमें से डेटा क्या चला जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, वन बाय वन हमें लेना है। यहाँ पे देखिए जो एक्सेस रेशियो है, जो एग्जीक्यूशन है उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप ये दोनों ऑक्सिलरी मेमोरी में आते हैं, और मेन मेमोरी यानी रैम वो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। कैच मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी, यहाँ पे ये दोनों है वो हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी है, क्योंकि इसके अंदर डेटा कैसा रहेगा, स्टोरेज रहेगा परमानेंटली, बट इसका एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली इससे स्लोअर होगा। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम, इसके अंदर क्या होगा, डेटा टेम्पररी रहेगा। कैच मेमोरी, जब भी रजिस्टर को डेटा चाहिए वो पहले क्या करेगा, कैच मेमोरी में से लेगा, अगर उसमें नहीं होगे तो ही वो आगे ऑक्सिलरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में लेने जाएगा। रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी में अलग अलग टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, उसके अंदर डेटा हमारा स्टोर होता है, उसके लिए रजिस्टर मेमोरी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आगे देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर कैन बी विजुअलाइज बाय हायरार्की ऑफ कंपोनेंट। इस तरह से आपको मालूम पड़ेगा कि इस तरह से इसकी कैपेसिटी है वो हायरार्की थ्रू आपको मालूम पड़ रही है। द मेमोरी हायरार्की सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टोरेज डिवाइस कंटेन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये सभी डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है। फ्रॉम द स्लो ऑक्सिलरी मेमोरी टू फास्ट मेन मेमोरी एंड स्मॉलर कैच मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी से लेके फास्ट मेन मेमोरी तक और स्मॉल कैच मेमोरी तक, इस तरह से उसका पिरामिड है। तो इस तरह से ये नीचे से ऊपर तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका जो एक्सेस रेशियो है इस तरह से होता है सीपीयू अंदर कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं आगे ऑक्सिलरी मेमोरी। एक्चुअली ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, इसका फायदा क्या है, एक्सेस टाइम इज जनरली 100 टाइम दैट्स ऑफ मेन मेमोरी, हेंस इट इज अ बॉटम ऑफ द हायरार्की। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी जो है हार्ड मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये क्या है, मेमोरी से मेन मेमोरी से 100 टाइम्स एक्सेस टाइम इसका है, तो इसके लिए इसको ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। द मेन मेमोरी, द मेन मेमोरी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजिशन बिकॉज इट इज इक्विप्ड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू एंड विद ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस टू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो मेन मेमोरी है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली सीपीयू और ऑक्सिलरी मेमोरी से इनपुट आउटपुट रिलेटेड
कम्युनिकेट करेगा, इसलिए मेन मेमोरी रैम को बोला जाता है। व्हेन द प्रोग्राम नॉट रिसाइडिंग इन द मेमोरी नीड बाय द सीपीयू नीडेड बाय द सीपीयू दे आर ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी। जब भी सीपीयू को मेन मेमोरी से डेटा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सिलरी मेमोरी में से लेने जाएगा। प्रोग्राम नॉट करंटली नीडेड इन द मेन मेमोरी आर ट्रांसफर्ड इन टू द ऑक्सिलरी मेमोरी टू प्रोवाइड स्पेस इन मेन मेमोरी फॉर अदर प्रोग्राम्स दैट आर करंटली यूज। फिर से बता रहा हूँ, प्रोग्राम नॉट करंटली नीड इन द मेन मेमोरी आर ट्रांसफर्ड इन टू द ऑक्सिलरी मेमोरी टू प्रोवाइड स्पेस इन मेन मेमोरी फॉर अदर प्रोग्राम दैट आर करंटली यूज। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं कराना है वो क्या करेंगे, ऑक्सिलरी मेमोरी में ट्रांसफर कर देंगे जिससे स्पेस फ्री हो जाए, और जो भी अदर प्रोग्राम से उसको जिसको यूज करना है वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। मेन मेमोरी यानी रैम, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क, ठीक है, और हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। आगे बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ऑक्सिलरी मेमोरी का एग्जीक्यूशन स्लोअर है कंपैरेटिवली मेन मेमोरी से, और ऑक्सिलरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर होता है, स्मॉल मेन मेमोरी के अंदर डेटा टेम्पररी स्टोर होता है, और मेन मेमोरी जो है वो डायरेक्टली सीपीयू और ऑक्सिलरी मेमोरी से डिवाइस से इनपुट आउटपुट रिलेटेड प्रोसेस के लिए वर्क करता है। कैच मेमोरी, आगे देखते हैं कैच मेमोरी, द कैच मेमोरी इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम डेटा विच इज करंटली बींग एक्सिक्यूटेड इन द सीपीयू। अभी जो एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम का उसके लिए जो यूज हो रहा है वो कैच मेमोरी यूज करता है। अप्रोक्सीमेटली एक्सेस टाइम रेशियो बिटवीन कैच मेमोरी एंड मेन मेमोरी इज अबाउट 1:7:10। इसका जो एक्सेस रेशियो है फास्ट है कंपेरेटिवली कैच मेमोरी का मेन मेमोरी से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कैच मेमोरी क्या है कि ये क्या करेगी, जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू में एग्जीक्यूट होता है तो एक कैच मेमोरी वो एग्जीक्यूट होगा, और इसका एग्जीक्यूशन मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी से कई गुना ज्यादा है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक टैप है वो भी बाई डायरेक्शनल है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो भी बाई डायरेक्शनल है, मेन मेमोरी भी क्या है तो बाई डायरेक्शनल है, पर यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक डिस्क है वो बाई डायरेक्शनल है, वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए ही वर्क करेगी, और मेन मेमोरी है वो क्या करेगी सीपीयू के साथ बाई डायरेक्शनल काम करेगी और इनपुट आउटपुट प्रोसेस के साथ, बट कैच मेमोरी है वो सिंपली सीपीयू के साथ ही बाई डायरेक्शनल वर्क करेगी। एरो के हिसाब से हमें चलना है कि कौन सी चीज को किसके साथ वर्क करती है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा जो था, जो हमने ब्रीफली हायरार्की जो है मेमोरी हायरार्की वो आपको बताई, अब थोड़ा बहुत अलग अलग मेमोरीज का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू, उसके अंदर पहले देखते हैं मेन मेमोरी, मेन मेमोरी क्या है। आगे तो मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू ऑक्सिलरी मेमोरी एंड कैच मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी। यहाँ पे द मेमोरी यूनिट दैट इज कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू ऑक्सिलरी मेमोरी एंड कैच मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी। इट इज द सेंट्रल स्टोरेज यूनिट टू द कंप्यूटर, इट इज अ लार्ज एंड फास्ट मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन। मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ रोम एंड रैम एंड रोम विथ रैम इंटीग्रेशन सर्किट चिप होल्डिंग द मेजर शेयर। यहाँ पे मेन मेमोरी जो है वो एक पार्टी है ऑक्सिलरी मेमोरी और कैच मेमोरी का, बट हम ऐसा सोच सकते हैं कि मेन मेमोरी यानी अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए आप ये सोच सकते हो कि भाई मेन मेमोरी यानी रैम और रोम जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली वर्क करेगी, ठीक है, और वो ऑक्सिलरी मेमोरी के साथ भी वर्क करेगी, क्योंकि वो जब भी कोई डेटा मेन मेमोरी में होगा उसका अगर एग्जीक्यूशन नहीं करना है तो वो टेम्पररी आप मेन मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी में स्टोर करने जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको यही बात दिमाग में रखनी है, मेन मेमोरी यानी रैम और रोम जो आपको आगे मैंने बताया इसमें भले ही आया था डिस्क्रिप्शन में जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मेन मेमोरी यानी रैम और रैम और रोम। अब हमें आगे भी कंप्यूटर फंडामेंटल में भी मालूम है रैम, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसके अंदर डेटा कैसा होता है टेम्पररी। रैम के भी दो पार्ट थे कंप्यूटर फंडामेंटल में आ गया, रैम के दो पार्ट थे डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है एस रैम स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या है
उसके अंदर जो है वो बना है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बना हुआ है एंड मस्ट बी रिफ्रेश एवरी 10 और 100 मिलीसेकंड, इट इज स्लोअर एंड चीपर देन SRAM, ठीक है। तो और उसके बाद है SRAM, स्टैटिक रैम है, उसके अंदर क्या है, 6 ट्रांजिस्टर सर्किट है, ईच सेल एंड रिटेन डेटा अंटिल पावर ऑफ। यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर है, उसके अंदर सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है डेटा, जब तक आपका पावर ऑफ नहीं होगा तब तक आपको डेटा मिलेगा। ये है मेन मेमोरी के DRAM और SRAM, रैम के अंदर। उसके बाद ROM, ROM का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, इज नॉन वोलेटाइल एंड इज मोर लाइक परमानेंट स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो स्टोर द बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम टू लोड एंड स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन। PROM लाइक प्रोग्रामेबल ROM, EPROM इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेसेबल PROM आर सम कॉमनली यूज ROMs। ये भी हमें मालूम है ROM क्या है, ROM के अंदर क्या होगा, क्योंकि प्री डिफाइंड प्रोग्रामिंग कर दिया होगा। और उसका एग्जांपल ये है कि हमारा जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो बूटिंग प्रोसेस के लिए जो वर्क होता है तो वो कहाँ से होता है, वो ROM के अंदर होता है। ROM के अलग अलग टाइप्स है, PROM, EPROM, EEPROM, ये सब ROM के टाइप्स है, वो आपको फुल फॉर्म के साथ और आपको डिस्क्रिप्शन भी मालूम ही है इसका, क्योंकि आगे आपने कंप्यूटर फंडामेंटल में देख लिया है। तो ये था मेन मेमोरी, मेन मेमोरी यानी रैम और रोम। उसके बाद आएगा ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी की थोड़ा बहुत हम देखते हैं। डिवाइस दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसके अंदर हमारा स्टोरेज हैजंट बैकअप परमानेंटली रहेगा उसे बोला जाएगा ऑक्सिलरी मेमोरी, जहां पे हमारा डेटा है परमानेंटली स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक टेस्ट एंड टेप आर कॉमनली यूज एज ए ऑक्सिलरी डिवाइस। अदर डिवाइस यूज एज ए ऑक्सिलरी मेमोरी आर मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक बबल मेमोरी एंड ऑप्टिकल डिस्क। ये भी सब क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी है। इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस टू द CPU एंड इज एक्सेस यूजिंग द इनपुट आउटपुट चैनल। ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, थ्रू इनपुट आउटपुट चैनल ये एक्सेस होगा। तो इसे बोला जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी, क्लियर। कैच मेमोरी देखते हैं। द डेटा और कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी दैट आर यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय द CPU आर स्टोर्ड इन द कैच मेमोरी सो दैट वी कैन इजीली एक्सेस दैट डेटा इन शॉर्ट टाइम। सिंपल, जो हमारा डेटा मेन मेमोरी से अगेन इन अगेन हम CPU थ्रू एक्सेस करते हैं, उसकी जगह हम क्या करेंगे, कैच मेमोरी के अंदर वो स्टोर कर देंगे जो हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सो वो क्या होगा, इससे हमारा एक्सेस टाइम भी बढ़ेगा और हमें इजीली डेटा एक्सेस हो जाएगा। कहने का मतलब है यही है कि जो डेटा ज्यादा से ज्यादा CPU एक्सेस करता है वो क्या किस में होगा, कैच मेमोरी के अंदर। व्हेनेवर द CPU नीड एक्सेस मेमोरी इट फास्ट चेक द कैच मेमोरी। इफ द डेटा इज नॉट फाउंड इन कैच मेमोरी दैट CPU मूव्स ऑन टू द मेन मेमोरी। जब भी डेटा चाहिए CPU को तो वो पहले कहाँ चेक करेगा, चेक मेमोरी के अंदर। अगर चेक मेमोरी के अंदर नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ मूव होगा, मेन मेमोरी के अंदर। इट ऑल्सो ट्रांसफर द ब्लॉक ऑफ रिसेंट डेटा इन टू द कैच एंड कीप ऑन डिलीटिंग द ओल्ड डेटा इन कैच टू एकोमोडेट द न्यू वन। ये क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा कैच के अंदर, जिस जो डेटा नहीं चाहिए उसको ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा और न्यू वन को वहां पे प्लेस कर देगा। तो इस तरह से ये कैच मेमोरी है। इसे बता देता हूं, जो हमारी मेन मेमोरी है वो रैम और रोम है, जिसके अंदर डेटा हमारा कैसा होता है, टेम्पररी स्टोर होता है और वो डायरेक्टली इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और CPU से कम्युनिकेट करता है। ऑक्सिलरी मेमोरी है वो क्या है, तो कि ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर हो सकता है और वो डायरेक्टली CPU से वर्क नहीं करेगा, वो इनपुट आउटपुट चैनल से वर्क करेगा। उसके बाद हमारी कैच मेमोरी है, कैच मेमोरी के अंदर क्या होगा, जो भी डेटा हमें रिपीटेडली चाहिए CPU को, वो डेटा वो क्या करेगा, वो डेटा वो कैच मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा और वो थ्रू कैच मेमोरी एक्सेस करेगा। अगर कैच मेमोरी से उसको डेटा नहीं मिलेगा तो ही वो क्या करेगा, मेन मेमोरी के अंदर एक्सेस करने जाएगा। उसका बेनिफिट है एग्जीक्यूशन टाइम है सबसे ज्यादा अच्छा कैच मेमोरी में, उसके बाद मेन मेमोरी में, उसके बाद कैच मेमोरी के अंदर।
ठीक है आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है। बूटस्ट्रैप लोडर, बूटस्ट्रैप लोडर किसे बोला जाता है वो आपको बता देता हूँ। जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है और उसके समय जो प्रोसेसिंग होता है ठीक है, तो उस टाइम पे फर्स्ट क्या होता है, बूटस्ट्रैप लोड होता है। बूटस्ट्रैप लोडर है सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले जो वर्क करता है वो होता है बूटस्ट्रैप लोडर। ठीक है, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेते हैं। अल्टरनेटिवली रिफर टू अ बूटस्ट्रैपिंग बूट लोडर और बूट प्रोग्राम। अ बूटस्ट्रैप लोडर इज अ प्रोग्राम, यहाँ पे बताया अल्टरनेटिवली रिफर टू एज बूटस्ट्रैप लोडर। फिर बूटस्ट्रैपिंग भी बोला जाता है, बूट लोडर भी बोला जाता है और बूट प्रोग्राम भी बोला जाता है। बूटस्ट्रैप लोडर इज अ प्रोग्राम दैट रिसाइड इन द कंप्यूटर ईपी रोम। ये बूटस्ट्रैप कहाँ पे है, तो कि ये ईपी रोम के अंदर है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और सिंपल रोम रीड ओनली मेमोरी के अंदर होता है, और अनदर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर व्हेन टर्निंग ऑन द कंप्यूटर। ये जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक होगा ठीक है। द बूटस्ट्रैप लोडर रीड्स द हार्ड ड्राइव बूट सेक्टर टू कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ लोडिंग द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। द बूटस्ट्रैप लोडर रीड्स द हार्ड ड्राइव बूट सेक्टर, हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर को रीड करेगी और प्रोसेस करेगी, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां से लोड होगी। द टर्म बूटस्ट्रैप कम्स फ्रॉम द ओल्ड फ्रेश पुल योर सेल्फ अप बाई योर बूटस्ट्रैप, इसके आधार पे ये नाम पड़ा है। When the computer is turned on, restart, the bootstrap loader first perform the power on self test, also known as post। जब भी हमारा कंप्यूटर टर्न होता है और रिस्टार्ट होता है तब सबसे पहले कौन काम करेगा, बूटस्ट्रैप। इफ द पोस्ट इज सक्सेसफुली एंड नो इश्यू आर फाउंड द बूटस्ट्रैप लोडर विल लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द कंप्यूटर इनटू मेमोरी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है तो वे लोड करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मेमोरी में से। द कंप्यूटर विल देन एबल टू क्विक एक्सेस लोड एंड रन द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कंप्यूटर क्या करेगी, क्विकली एक्सेस करेगी, लोड करेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करेगी। यहाँ पे बूटस्ट्रैप लोडर जो है, ये बूटस्ट्रैप लोडर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर है और ये फ्री मेमोरी है ठीक है। ये इस तरह से एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप लोडर है, ओएस लोडर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लोड हुई और फ्री मेमोरी। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट ओएस, ये लोडर है, रिक्वेस्ट ओएस लोडर टू रूटिंग फ्रॉम डिस्क यूनिट, ये रिक्वेस्ट करेगा। फिर क्या होगा, ट्रांसफर होगा ओएस लोडर इनटू मेमोरी, वो मेमोरी में ट्रांसफर होगा। थर्ड क्या होगा, ओएस लोडर लोड्स रेस्ट ऑफ ओएस इनटू द मेमोरी। थर्ड क्या होगा, लोडर लोड करेगा मेमोरी के अंदर। ये सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पे रखा है, आप एग्जाम के अंदर दे सकते हो ठीक है। तो ये था हमारा बूटस्ट्रैप लोडर, ये क्या करेगा, सिंपली हम जो हमारे डेटा हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करने का काम बूटस्ट्रैप लोडर करेगा। कोई भी इश्यू नहीं आता है तो थ्रू मेमोरी ये कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। उसके बाद आता है कंप्यूटर स्टार्टअप। कंप्यूटर स्टार्टअप आपको मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टार्टअप इज अ जनरल टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर ऑपरेशन। दिस एक्शन इज मोर कॉमनली रिफर्ड टू एज बूट और बूटअप। जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, सभी अप टू डेट वर्क करते हैं, तो ये क्या होता है, बूट यानी बूटअप। स्टार्ट और स्टार्टअप इज अ लोकेशन दैट स्टोर प्रोग्राम टू लोड ईच टाइम अ कंप्यूटर स्टार्ट। ओल्ड टाइम ये क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम से हमारे लोड हो गए। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर कैन सी ईच ऑफ द प्रोग्राम स्टार्टअप ईच टाइम देयर कंप्यूटर बूट बाय देयर एमसी कॉन्फिग यूटिलिटी। आप एमसी कॉन्फिग यूटिलिटी के द्वारा आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हमारे लोड हो रहे हैं ईच टाइम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, रैम एंड रोम चिप। रैम एंड रोम चिप ऐसे तो आपको मालूम है, फिर भी मैंने यहाँ पे डायग्राम के साथ ये टॉपिक रखा है। देयर इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। पहला तो रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी,
और रोम कैन होल्ड डेटा विदाउट पावर एंड रैम कैन नॉट। एक बार रोम के अंदर हम डेटा प्री प्रोग्रामिंग कर देंगे फिर वो डेटा पावर ऑफ हो जाएगा तो भी रहेगा, ठीक है, और रैम के अंदर क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। रोम इज एन परमानेंट स्टोरेज है, रैम इज टेम्पररी स्टोरेज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रोम, ये जब भी हमारा रोम है वो बायोस, हमारा जो कंप्यूटर होता है जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले रोम के अंदर हमारा जो डेटा है वो मेमोरी है वो क्या करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए ये बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये वर्क करेगी। यानी हम कह सकते हैं रोम का वर्क यही है, जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो तो उसके जो भी इनिशियल स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो प्रोसेस करने के लिए जो यूज होता है वो होता है हमारा रोम, उसको बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर से थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। अ गुड एग्जांपल ऑफ रोम इज द कंप्यूटर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम व्हिच इज अ पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप दैट स्टोर द प्रोग्रामिंग नीड टू बिगिन द इनिशियल कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोसेस। ये स्टार्टअप प्रोसेस के लिए यूज होता है। यूजिंग नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम इज द ओनली वे टू बिगिन दिस प्रोसेस फॉर कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस। यह शुरुआत में बिगिन प्रोसेस में यूज होता है। रोम चिप्स वेर यूज इन गेमिंग सिस्टम कार्टी एंड अदर, गेमिंग के अंदर प्रिंटर के अंदर कार्टी और अदर के अदर सिस्टम के अंदर भी यूज होता है, टॉयज में भी इसका यूज होता है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक स्टार्ट होता है कंप्यूटर, तब जब भी ये फायर और चेक करने जाता है तो थ्रू किसके जाता है, रोम थ्रू, तो इसके लिए रोम का यूज होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। रैम हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो हम रैम थ्रू करते हैं। ये रैम है ओल्ड वन है, ये हमारे रैम है 512 MB DIMM ओल्ड रैम, इस तरह से रैम होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। थोड़ा देख लेते हैं, रैम चिप्स आर ऑल्सो यूज इन कंप्यूटर एज अदर डिवाइस टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड रन प्रोग्राम। रैम इज वन ऑफ द फास्टेस्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी, अलाउइंग इट टू स्विच क्विकली बिटवीन टास्क। फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट ब्राउजर यू आर यूजिंग टू रीड दिस पेज हैज बीन लोडेड इनटू रैम एंड रनिंग फ्रॉम इट। तो इस तरह से रैम है, रैम के बारे में आपको मालूम है, ये रहा रैम का ये डायग्राम, किस तरह से रैम होती है। सिंपली रैम जो है क्या करती है, टेम्पररी डेटा स्टोर करके देती है और वो फास्ट एग्जीक्यूट करके भी हमें डेटा देती है, पर जो डेटा होता है वो कैसा होता है तो कि टेम्पररी होता है। रैम का तो दो टाइप से, एस रैम और डी रैम, डायनेमिक रैम और स्टेटिक रैम, ठीक है। रैम के अंदर क्या होता है, क्योंकि पर्टिकुलर से रैम हो वो ग्रिड के फॉर्म में होती है और ग्रिड के अंदर क्या होता है, रो और कॉलम के सेल होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, एक ब्लैक और व्हाइट सेल होता है। ब्लैक यानी डेटा, जो भी ब्लैक सेल है वो उसके अंदर क्या होगा, डेटा होगा, वहां से वो रीड करके लाएगी। जो व्हाइट है उसके अंदर डेटा होगा नहीं, वो यानी वो डेटा कैसा है, उसके अंदर कुछ भी डेटा है नहीं। तो इस तरह से रैम का इंटरनल मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिपिकल रैम चिप ब्लॉक डायग्राम एंड फंक्शन टेबल। सिंपल इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है। ये ब्लॉक डायग्राम जो है इसके अंदर क्या है, तो कि ये जो भी ब्लॉक है इसके अंदर 128x8 का रैम जो होता है वो इसका ब्लॉक है, ठीक है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का, ये बाई डायरेक्शनल 8-bit डेटा बस है, डेटा ट्रांसफर कर सकती है। CS1, CS2 रीड राइट और ये एडेप्टर, सॉरी ये जो है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आई यानी इन है बिट, हमें मालूम नहीं कौन सा इनपुट या आउटपुट है। डब्ल्यू आई मीन्स राइट, आर डी मीन्स रीड एंड एच आई मीन्स हाई इम्पीडेंस, ठीक है। और यहाँ पे ये AD7 जो है, AD7 यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, जो डेटा बाई डायरेक्ट 7-bit का जो हमारा डेटा है उसकी बात हो रही है, इसके लिए हमने AD7 का यूज किया है। सिंपल CS1, CS2 रीड राइट और AD7। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उसके बाद ये डायग्राम है कब रीड करेगी और कब राइट करेगी ये देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है,
In this block diagram representation, the given RAM chip consists of two chip select line. तो CS1 और CS2 वो क्या है? Select line है. उसके बाद a read line और write line. और दूसरी जो ये line है, ये read line और ये write line है. ये chip select line है दोनों. उसके बाद ये क्या है? तो कि ये है address line and a bidirectional 8-bit data bus. और ये क्या है? Bidirectional 8-bit data bus है और ये address line है. Here two chip selects CS9 are used in order to ensure that only the required chip is selected from a given array of chips. ये जो भी chip जो भी select करनी है हमें CS1 और CS2 ये क्या करेगी? जो भी required chip है उसको ही select करेगी array में से. तो इसके लिए जो selection के लिए CS1 और CS2 का use किया है. माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जो हमारा एरे होगा उसके अंदर जो भी चिप को सिलेक्ट करना है ये सिलेक्ट कौन करेगा? CS1 और CS2. ऑल्सो इट हेल्प एन एड्रेस डिकोड इन द सिमिलर कंडीशन. और वो क्या करेगा? हमें एड्रेस को डिकोड करने के लिए भी हमें हेल्प करेगा. तो उसके लिए हम यूज करेंगे CS1 और CS2 का. एज यूजुअल द रीड RD एंड WR लाइन रिफर टू रीड एंड राइट line for reading or writing data to form this memory. Reading or writing RAM के लिए जो करना होगा उसके लिए हम RD और WR का यूज करेंगे. Here the configuration of 128/8 significant that the current memory element is capable of storing about 128 words with each word consists of 8 bit. यहाँ पे हमारे जो वर्ड है वो 128 वर्ड का होगा और उसकी स्टोरेज बिट है वो 8 बिट होगी, इसलिए इसको 128/8 बोला जाता है. हेंस इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटा स्टोरेज इन दिस मेमोरी 7-bit यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस इज रिक्वायर्ड. अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो इसके अंदर 7-bit यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस रिक्वायर्ड है. ऑपरेशन ऑफ रैम सर्किट कैन बी एनालाइज्ड and considering the following functional table. ये description आपको इसका बताया, वो आप पढ़ोगे तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा, मैंने आपको बताया. अब ये function table है, इसके अंदर हम देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए, जब भी selection line 00 होगी, ठीक है, और यहाँ पे inhibited है read और write, और यहाँ पे कोई XX का मतलब जैसा है ऐसा ही input है read और write का. तो ये क्या होगा? उसका function inhibit होगा और इसका डेटा बस का जो स्टेटस होगा क्या होगा? हाई इंपीडेंस है. तो ये तीनों के लिए तो ये सेम होगा. अब क्या होगा? जब भी सिलेक्शन लाइंस 1 और ये 0 और रीड 0 और राइट 1 होगा तब ये क्या करेगा? इसका फंक्शन रैम का राइट करने का होगा और ये क्या करेगा? डेटा राइट करेगा. उसके बाद CS1 भी 1 होगा, CS2 भी 0 होगा, रीड 1 होगा और राइट हैज इट इज जो भी है वो होगा लास्ट में. तो ये क्या करेगा? रीड, यानी यहाँ पे रीड 1 होना चाहिए और ये दोनों सिलेक्शन लाइन 10 होना चाहिए. तो ये क्या करेगा? रीड, एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम रैम. ये डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा. उसके सिवाय फिर से ये सिलेक्शन 1 और इनहेबिट XX, यानी लास्ट में जो होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हम क्या होगा. तो ये क्या करेगा? टाइप्स ऑफ फंक्शन वो इनहेबिट और हाई इंपीडेंस होगा. तो ये आपको ये दोनों ध्यान में रखना है. जब भी CS1 हो, CS2 0 हो, रीड 0 हो और 1 राइट हो तब ये राइट करेगा रैम में. जब भी 1 0 1 X और रीड, ये का क्या करेगा? रीड करेगा. लास्ट में जो होता है वो ठीक है वो भी बोल सकते हैं और हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर ये 1 होना चाहिए. तो इस तरह से उसका ये फंक्शन टेबल है वो वर्क करेगा रैम का, ठीक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोम. ये रोम चिप है. रोम चिप का जो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है इस तरह से है. इसके अंदर सिंपली डिफरेंस क्या है? 5128 और इसके अंदर रीड और राइट नहीं है. मीन सम रीड तो करेंगे, राइट नहीं है. CS1 सिलेक्शन लाइन, CS2 और ये एड्रेस लाइन 9 है और ये बाई डायरेक्शनल डेटा बस है, ठीक है. तो ये क्या करेगा? ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है रीड ओनली मेमोरी का. तो ये हम देख लेते हैं. In this block
represent the block of ROM significantly differ from RAM as ROM refer to read only memory. RAM के अंदर क्या है? Temporary data है. ROM के अंदर क्या होगा? Inbuilt data हमने pre-defined उसमें लिख दिया होगा और फिर हम उसमें से क्या करेंगे? Read करेंगे. Hence its configured lacks write line and also the data bus is unidirectional. यहाँ पे क्या होगे? तो क्या write line होगे? Configure किया होगा like write line और data bus क्या होगे? Unidirectional. This reason, the reason of configuring 5128 is the open ROM can accommodate more number of memory cell as that of RAM. उसके अंदर जो cell है ROM के अंदर वो ज्यादा है किससे? RAM से. Hence the space occupied by 5128 by ROM is equivalent to 1288. यानी ये दोनों sorry equivalent ही है. यहाँ पे 512/8 multiply by 8 ROM is equivalent to 128 multiply by 8 as that RAM. Since the ROM is read-only memory, hence the large amount of data can be stored with less time, less space. तो आप data large amount of स्टोर करवा सकते हो लेस स्पेस के अंदर. ठीक है, तो इस तरह से ये रोम का ब्लॉक डायग्राम है. आपको डिस्क्राइब कर देना है अपनी तरह से सीएस वन सी एस टू एड्रेस लाइन 9 ये आपको मालूम है. यहाँ पे 512 मल्टीप्लाई बाय 8 रोम चिप जो है उसी वो कंपैरेटिवली रैम को बोला जाता है 128 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये दोनों इक्विवेलेंट है. तो यहाँ पे हमने रोम रैम सबका एज पर अवर सिलेबस वो डिस्क्रिप्शन भी लिखा है और आपको डायग्राम भी दिया है और मटेरियल भी आपको सेंड किया है. तो यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ मेमोरी हायरार्की देखिए हमने. ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, बूटस्ट्रैप लोडर क्या है, कंप्यूटर स्टार्टअप क्या है, रैम और रोम की चिप देखी, रैम और रोम की चिप्स का डिस्क्रिप्शन भी देखा, टिपिकल रैम चिप ब्लॉक डायग्राम देखा, उसका फंक्शन टेबल देखा और टिपिकल रोम चिप ब्लॉक डायग्राम देखा. फिर से बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि मेमोरी है वो क्या करेगी, एग्जीक्यूशन और उसका वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो सीपीयू के साथ है किस तरह से है वो है वही देखना है हमें. ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर क्या होगा, डेटा अपना जो भी है वो परमानेंट स्टोर होगा. यहाँ पे मेन मेमोरी हम बेसिकली बोला जाता है रैम और रोम, पर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको रैम के बारे में लिखना है क्योंकि रोम है वो क्या करेगी, डेटा उसके अंदर एक बार आप लिख दो वो परमानेंटली सेव रहेगा, पर मेन मेमोरी में आप ले सकते हैं रैम और रोम. ठीक है, और आपको बेसिकली अगर मेन मेमोरी पूछा जाए तो आप रैम को डिस्क्राइब करना. रैम के दो टाइप्स है, बूटस्ट्रैप लोडर, जब भी हमारा प्रोग्राम जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तब पहले बूटस्ट्रैप लोडर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा. कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोग्राम स्टार्टअप कंप्यूटर स्टार्टअप क्या करेगा, हमारे हर एक प्रोग्राम जो है वो अप टू डेट हार्डवेयर है उसको अप टू डेट स्टार्ट करेगा. रैम रोम चिप्स, रैम रोम चिप्स आपको बताया है, उसका ब्लॉक डायग्राम भी दिया है रोम का भी. रैम यानी क्या है, वो डेटा क्या करेगी, परमानेंटली स्टोर नहीं करेगी. जब भी आपका डेटा जो होगा वो टेम्पररी होगा, जैसे ही कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है डेटा उसमें से लॉस हो जाता है. बेसिकली दो टाइप्स है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वो भी आपको बताया है. तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो यूनिट 5 था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वो हमने कंप्लीट किया, इसका डिस्क्रिप्शन भी हमने पढ़ा और इसको हमने बेसिकली आपको किस तरह से वर्क करता है वो भी बताया. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यूनिट 5 जो है सीओए का वो कंप्लीट होता है. आपको ये सभी नोट्स है वो कंप्लीट करके पढ़ के समझ के लिख लेना है आपकी बुक्स के अंदर, एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है. ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वो कंप्लीट होता है. आपका दिन शुभ रहे. ओके, थैंक यू.